हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजदीप राव और मेरा चैनल का नाम है टेक्नोलॉजी रजदीप चैनल। तो आज मैं लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं दोस्तों, आप घर बैठे ही एलएल टेस्ट किस प्रकार, किस माध्यम के द्वारा आप दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना ज़रूरी है, तब भी आप ई आधार ई केवाईसी के माध्यम से आप एलएल टेस्ट घर बैठे ही ऑनलाइन दे सकते हैं। ना ही आपको आरटीओ ऑफिस में जाना है, ना ही आपको कहीं पर विजिट करना है। तो आज मैं लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सबसे पहले परिवहन GOV.IN में आना है। आने का बाद में सर्च करना है। सर्च करने का बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस में, यहाँ पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ मोर में। आने का बाद में यहाँ पर चॉइस करना है स्टेट, तो मैं स्टेट चॉइस कर रहा हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। तो यहाँ पर स्किप करना है। आने का बाद में स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे की ओर आना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन एलएल टेस्ट, तो यहाँ पर क्लिक करना है ऑनलाइन एलएल टेस्ट में। आने का बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है एलएल एप्लीकेशन नंबर, तो जब भी ऑनलाइन किया है तो ऑनलाइन में एप्लीकेशन नंबर आ गया हो गया एलएल एप्लीकेशन नंबर, तो यहाँ पर एलएल एप्लीकेशन नंबर डालना है। तो यहाँ पर अभी एलएल एप्लीकेशन नंबर टाइप करना है, तो मैं एप्लीकेशन नंबर डाल दिया हूँ। डालने के बाद में डेट ऑफ बर्थ डालना है। डालने के बाद में यहाँ पर ऑटोमेटिक ही ले लेगा, तो मैं वेट कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम लगता है, तो देख सकते हैं ऑटोमेटिक ही ले लिया है। लेने के बाद में अभी अपना आई को आँख को बंद करना है, खुलना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी कैमरा ले लिया है। लेने का बाद में अभी फेस मैचिंग होगा, अभी फेस मैचिंग भी हो गया है। फेस मैचिंग होने का बाद में स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पर प्रोसीड है, प्रोसीड में क्लिक करना है। अभी नया पेज में ओपन हो गया है। होने का बाद में स्क्रॉल करके नीचे की ओर आना है। तो यहाँ पर प्रोसीड में क्लिक करना है। मेरा बायोडाटा आ गया है, यहाँ पर कौन सा लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो मैं हिंदी में सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद में कंटिन्यू में क्लिक करना है, तो मैं कंटिन्यू में क्लिक कर देता हूँ। देने का बाद में मेरा क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर,
यहाँ पर 4 क्वेश्चन का आंसर है, वहाँ पर जो भी सही है वहीं पर क्लिक करना है। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, ये किस और इशारा करता है, तो मैं यहाँ पर 2 में क्लिक कर दिया हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो गया है, तो अभी दूसरा आ गया है क्वेश्चन का आंसर, तो मैं 1 में यहाँ पर क्लिक करूँगा क्योंकि 1 ही सही है। तो मैं 1 में क्लिक कर दिया, करने के बाद में अभी फिर से नया क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 2 यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर यह चिन्ह किसका चिन्ह है और यह चिन्ह किसकी और इशारा करता है, वही चिन्ह के बारे में यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वही चिन्ह का अनुसार यहाँ पर आंसर में क्लिक करना है। आपको जो भी आंसर सही लगे उसी में क्लिक करना है, तो मैं 2 में क्लिक कर दिया हूँ, तो ये भी मेरा सही हो गया है, अभी रेड मार्क आ गया है। तो यह इसको तो पता ही है, सबको पता होता है रेड मार्क का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ठारी होता है, यहाँ पर ठारी में 1 में क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर 1 में डाल दिया हूँ, तो मेरा ये भी क्वेश्चन का आंसर सही हो गया है। तो अभी दूसरा और क्वेश्चन आ गया है, 3.5 इसका मतलब क्या होता है, आपको जो आंसर सही लगे उसी में क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर 3 ऑप्शन में क्लिक कर दिया हूँ, मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, तो अभी फिर से नया क्वेश्चन का आंसर आ गया है। तो मैं 1 में क्लिक कर दिया हूँ, देख सकते हैं अभी मेरा ये भी क्वेश्चन का आंसर सही हो गया है, अभी फिर से और क्वेश्चन का आंसर आ गया है। तो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 28 का मौका दिया जाता है, तो जो भी सही लगे उसी में यहाँ पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर 1 में क्लिक कर दिया, अभी फिर से नया ऑप्शन आ गया है, नया क्वेश्चन का आंसर, तो मैं यहाँ पर 1 में क्लिक कर दिया, तो ये भी मेरा क्वेश्चन का आंसर सही हो गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं पास हो गया हूँ, इसी तरीका से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं।